top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. नकली नोटों के खिलाफ हमने काम किया, फिर हमने पार्लियामेंट में पूछा, बताओ हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने नकली नोट हैं? 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे आंकड़ा निकला राज्यसभा में, मोदी जी ने उसकी भी बात बंद कर दी, कहते कैशलेस इकोनॉमी। मोदी जी, कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है, पूरी दुनिया रो रही है। अब कहते हैं भैया कैशलेस बनाएंगे। कैशलेस का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे किसान आता है मंडी में, पैसा नहीं मिलता, अपना पैसा किसान आता है ना, हां जी, उसको पैसा देता है व्यापारी, नहीं मिलता। जब कैशलेस दुनिया आएगी ना, किसान को पता भी नहीं लगेगा, व्यापारी को पता भी नहीं लगेगा, 5% पैसा सीधा जाएगा बड़े उद्योगपतियों की जेब में, आपके जेब से निकलेगा, सीधा वहां जाएगा। यह है कैशलेस। मैंने सूट बुक की बात कही थी, मोदी जी 50 परिवारों के लिए पूरी की पूरी सरकार चला रहे हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए हिंदुस्तान को चला रहे हैं, आपके लिए नहीं चला रहे हैं। ये सच्चाई है, इस बात को आप मानो ना मानो, इस बात को आप मानो ना मानो, मैं इस बात को बोलता रहूंगा क्योंकि ये सच्चाई है और मुझे सच्चाई अच्छी लगती है। पार्लियामेंट में भाषण देने की कोशिश कर रहा हूं, एक महीना हो गया मुझे वहां पे बोलने नहीं दे रहे। सही बात। और मैं आपको बताऊं, अगर मुझे वहां बोलने दिया, मुझे बस आधा घंटा दे दो, जो मोदी जी ने छुपा रखा है पूरा का पूरा मैं हिंदुस्तान को बता दूंगा। राहुल गांधी सच्चाई से मोदी जी डरे हुए हैं, सच्चाई से मोदी जी डरे हुए हैं, इसीलिए वो हाउस के अंदर नहीं आते हैं। हाउस के अंदर आ जाएं, मुझे आधा घंटा दे दें, और फिर वो 2 घंटा बोलना चाहते हैं, 2 घंटा बोल लें।